हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्टा क्लासेस। आरसीसी के लास्ट दो वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 45 तक डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 100 mm³। ठीक है, एज कम्पेयर टू 150 mm³। देखो, स्टैंडर्ड क्यूब तो 150 mm साइज का होता है। अगर स्टैंडर्ड साइज 150 mm से अगर आप साइज रिड्यूस करते हैं, अगर साइज कम लेते हैं, जैसे आपने 100 लिया या 120 mm लिया, तो बेसिकली साइज रिड्यूस करने से स्ट्रेंथ जो आएगी, जो एफसी के वैल्यू मिलेगी, वो क्या होगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो दिस विल गिव यू द मोर स्ट्रेंथ। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज कि स्मॉल स्पेसिमेन होता है तो वहां पर फॉल्टी प्लेन के मिलने के चांसेस कम होते हैं, तो डेफिनेटली जो है स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है जब साइज रिड्यूस की जाती है। और जब साइज इंक्रीज करते हैं अप टू द 450 mm, रिडक्शन आता है एंड द रिडक्शन फैक्टर इज व्हाट, 0.85 का रिडक्शन फैक्टर आ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि 150 की जितनी स्ट्रेंथ है उसकी 85% स्ट्रेंथ रह जाती है अप टू 450 mm, एंड आफ्टर दैट इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 47 डिस्कस करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 47। सो व्हाट दिस क्वेश्चन सेज, आईएस कोड 456 1978। ठीक है, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द कंक्रीट एसी, दिस इज गिवन बाय 5700 अंडर रूट एफसीके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 में एज पर द आईएस कोड 456 1978 बोला गया था, एज पर दिस कोड the value of the modulus of elasticity for the concrete is given as 5700 under root fck, और as per the code 2000 जो modulus of elasticity है वो 5000 under root fck होता है। for this question the answer is asked for the code 1978, so A will be the answer। ठीक है, आगे चले। without code mention किए हुए यदि question पूछता तो answer फिर C consider किया जाता as per the current updated code। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। द एडमिक्सचर विच कॉजेज द अर्ली सेटिंग, अर्ली सेटिंग मतलब जल्दी से उसने हाइड्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, सेटिंग कब होती है? जब हाइड्रेशन प्रोसेस सीमेंट जब हाइड्रेट करता है, सीमेंट जब हाइड्रेट होकर के डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स बनाता है जो कि बाइंडिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या आती है? सेटिंग शुरू हो जाती है। तो सेटिंग और हार्डनिंग यदि जल्दी चाहिए तो उसका मतलब क्या है कि आपको हाइड्रेशन प्रोसेस को फास्ट करना होगा। इसका मतलब कुछ केमिकल मिलाने होंगे, उनको क्या कहते हैं? एक्सेलरेटर कहते हैं। अगर हाइड्रेशन प्रोसेस को स्लो करवाना यदि टारगेट है, यानी कि सेटिंग टाइम को बढ़ाना टारगेट है, तो रिटार्डर्स यूज किए जाते हैं। रिटार्डर्स जनरली यूज करते हैं जहां रेडी मिक्स कॉन्क्रीट की जाती है, जहां रेडी मिक्स कॉन्क्रीट किया जाता है वहां रिटार्डर्स यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्क्रीट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। कुछ 5-7 घंटे का समय यदि चाहिए वहां पर, तो डेफिनेटली आपको रिटार्डर्स यूज करने होते हैं। एयर एंट्रेनिंग एजेंट क्या होता है? इससे वर्केबिलिटी बढ़ाई जाती है। ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है कि जब आप कंक्रीट के अंदर डालते हैं तो मिलियंस ऑफ एयर बबल्स फॉर्म होते हैं नॉन कोलैप्सिंग, जिस पर कंक्रीट इजीली फ्लो करते हुए आगे की तरफ बढ़ जाती है, तो आप बोलते हैं कि वर्केबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी व्हाट? एक्सेलरेटर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। The percentage of the voids in the cement is approximately, percentage void cement के अंदर कितना होता है? देखो, ध्यान दो। अगर आप सीमेंट के बैग की बात करेंगे तो सीमेंट के बैग की जो डेंसिटी होती है वो 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, लेकिन अगर हम सीमेंट पार्टिकल की बात करेंगे, सिर्फ सीमेंट पार्टिकल की, तो इनकी जो डेंसिटी होती है वो 3150 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से दी जाती है, 3150 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर आपको 50 किलोग्राम सीमेंट के लिए, अगर आपको 50 किलोग्राम सीमेंट के लिए कैलकुलेट करना है कि कितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैन बी गिवन बाय द मास ऑफ द सॉलिड डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा, मास ऑफ द सॉलिड कितना है? 50 kg। डेंसिटी ऑफ सॉलिड कितनी है? 3150 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहां से मीटर क्यूब में वैल्यू मिलती है, दिस इज 0.012048 मीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम आएगा सॉलिड का, यानी कि सीमेंट पार्टिकल का जो वॉल्यूम है वो इतना है। लेकिन अगर आप सीमेंट बैग में देखते हो, सीमेंट बैग में, तो सीमेंट बैग में पार्टिकल के साथ में कुछ और चीज भी होती है। वो क्या होती है? एक तो यहां पर होता है सीमेंट पार्टिकल और साथ में होती है यहां पर एयर। ठीक है, तो सीमेंट बैग की जब बात करें तो सीमेंट पार्टिकल भी होगा, एयर भी होगा। जो टोटल वॉल्यूम होगा वो दिया जाएगा द मास ऑफ द सॉलिड, ठीक है, प्लस द मास ऑफ द एयर। मास ऑफ द एयर नेग्लिजिबल होता है, इसको तो नेग्लेक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय
डेंसिटी ऑफ द सीमेंट बैग, ठीक है, तो सीमेंट बैग की डेंसिटी यूज करेंगे तो 50 किलोग्राम तो वेट ऑफ सॉलिड आ गया, और डेंसिटी आप लिख देंगे 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर। तो यहां से आपको रिजल्ट मिलता है 0.03472 मीटर क्यूब, 3472 मीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम जो आया है ये वॉल्यूम ऑफ सीमेंट और वॉल्यूम ऑफ एयर का मिलकर क्या है। तो परसेंटेज एयर वेट्स यदि आपको निकालना है कि कितनी परसेंटेज एयर वेट्स है, तो आप निकाल सकते हैं 0.03472 माइनस 0.012048 डिवाइडेड बाय 0.03472 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, दिस इज कमिंग आउट टू बी 65.3%, तो रफली 60%, ठीक है, रफली 60% एयर वेट्स वहां पर आपको मिलेगी। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी रफली 60%, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 60%। द इफेक्ट ऑफ एडिंग CaCl2, अगला क्वेश्चन है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, ये एक जो है एक्सेलरेटर है, अगर एक्सेलरेट करेगा तो हाइड्रेशन प्रोसेस फास्ट होगी, अगर हाइड्रेशन प्रोसेस फास्ट होगी तो क्या होगा, मोर हीट जनरेट होगी इन द लेस टाइम, उसका मतलब है कि काफी सारे श्रिंकेज क्रैक्स वहां पर जनरेट हो जाएंगे। तो पहला तो इसका ऑप्शन सही है, दिस विल इंक्रीज द श्रिंकेज क्रैक्स डेफिनेटली, ठीक है, सेकेंड गलत हो जाएगा, एंड ये हाइड्रेशन प्रोसेस को फास्ट कर रहा है, इसका मतलब सेटिंग टाइम को जो है डिक्रीज कर देगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ विल बी द आंसर, ठीक है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 51, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इन द क्वेश्चन नंबर 51 द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट डिटरमाइंड फ्रॉम दिस सिलेंडर, 150x150 का यदि सिलेंडर ले लें, तो एक तो सिलेंडर आपने लिया है 150x150 का, ये साइज आपकी डायमीटर 150 है और हाइट भी कितनी है 150 के बराबर, इसको कंपेयर करवा रहे हैं किसके साथ, 150mm/300mm के सिलेंडर के साथ इसको कंपेयर करवा रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर जब आप कंपेयर करते थे इसको क्यूब के साथ तो एंड रिस्ट्रेंट फैक्टर आपको नहीं मिल पाता था, एंड का सपोर्ट सिर्फ यहां तक मिलता है 85% ऑफ द साइज से, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन था ये आपका एंड से सपोर्टेड नहीं हो पाता था, इस वजह से स्ट्रेंथ कम आती थी, लेकिन इसमें जब देखोगे 150 का 80% करोगे तो वो लगभग यहां पर आएगा, और 150 का वापस से अपने 85% के लगभग यहां पर आया, तो इसका मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो पार्ट है ये आपका एंड की तरफ से सपोर्टेड रहेगा, इसका मतलब डेफिनेटली इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा आने वाली है, ठीक है। तो आंसर फॉर द 51 क्वेश्चन विल बी ए, ठीक है, आंसर फॉर द 51 क्वेश्चन विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द कंक्रीट टू डिजाइन पर्पस इज बेस्ड ऑन द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर विल बी, ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं, कंक्रीट के लिए बात कर रहा है, तो मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 1.5 यूज किया जाता है, जब आप बात करते हैं किसकी, कोलैप्स कंडीशन की, तो अंडर द कोलैप्स कंडीशन द मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द कंक्रीट इज 1.5, लेकिन अगर सर्विसेबिलिटी कंडीशन की बात करोगे तो मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कंक्रीट का होता है वो लिया जाता है 1 के बराबर, ठीक है, तो आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 52 विल बी बी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द मॉड्यूलस ऑफ रप्चर, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर का मतलब है FCR, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर का मतलब है FCR, इट इज द मेजर ऑफ, क्या मेजर करता है ये, दिस इज द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, फ्लेक्सुरल मतलब बेंडिंग, बेंडिंग स्ट्रेंथ होती है कॉन्क्रीट की, और कॉन्क्रीट कंप्रेशन में तो स्ट्रांग होता है, टेंशन में वीक होता है, तो ये चीज अंडरस्टूड होती है कि दिस इज द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, ठीक है, तो आंसर विल बी ए, ध्यान देना, कई सारे लोग इसको सीधा सीधा फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट बोलते हैं, लेकिन फ्लेक्सुर में दोनों चीजें आएंगी, कंप्रेशन भी आएगा टेंशन भी आएगा, टेंशन में कॉन्क्रीट वीक है, ज्यादा दिक्कत टेंशन में है, तो बेसिकली हम फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ यहां से चेक करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 देखें जरा, बल्किंग इन द सैंड इज मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम इफ द मॉइस्चर कंटेंट इज अबाउट, जब मॉइस्चर कंटेंट लिटिल अमाउंट में होता है, लगभग 4-5% के आसपास जब मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो डेफिनेटली जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है सैंड का वो मैक्सिमम तक पहुंच सकता है, अप टू 40% तक पहुंच सकता है, इसी को बल्किंग ऑफ सैंड कहते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर आपको मिल रहा है वो 4% मिल रहा है, ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट है, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, स्टील की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी एज पर 456/1978 शैल बी टेकन एज, कितना होता है, द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁵ न्यूटन पर
एमएम स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आप डिफरेंट यूनिट्स में इनको कन्वर्ट करें तो यहाँ पर यूनिट्स, दो तरीके की यूनिट्स आपको नजर आ रही है, एक तो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, और एक न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो देखें जरा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर की बात करोगे तो 2 × 10⁵ के बराबर है, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 200 × 10�³ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, और 10�³ न्यूटन को किलो न्यूटन कह देंगे, तो 200 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 2 × 10⁵, ये तो न्यूटन हुआ, एमएम को लिख देंगे, व्हाट इज एमएम, दिस इज 10⁻¹ सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 × 10⁷ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको रिजल्ट बताना है न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो रिजल्ट हो जाएगा 2 × 10⁷, ठीक है, 2 × 10⁷, इसका मतलब है 20,000 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन यहां पर मैच नहीं कर रहे, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। इन द केस ऑफ हैंड मिक्सिंग द कॉन्क्रीट, हैंड मिक्सिंग ऑफ कॉन्क्रीट, द एक्स्ट्रा सीमेंट टू बी एडेड इज, अगर साइट पर मिक्सर मशीन का यूज नहीं करते हैं तो कॉन्ट्रेक्टर को 10% ज्यादा सीमेंट यूज करना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। अगर किसी एक पार्टिकुलर ग्रेड की कॉन्क्रीट बना रहे हैं, जितना सीमेंट रिक्वायर्ड है उससे 10% ज्यादा यूज करेंगे, अगर आप सिंपली बाय यूजिंग द हैंड मिक्सिंग यदि आप कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहां पर 10% ज्यादा सीमेंट यूज करना पड़ेगा एज पर द आईएस कोड। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। According to the IS code 456/1978, the flexural strength of the concrete, flexural strength की बात कर रहे हो, ठीक है, तो flexural strength जो होता है वो 0.7 अंडररूट FCK से दिया जाता है, ठीक है, तो बेसिकली FCR जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडररूट FCK के बराबर होता है, तो यहां पर क्या नजर आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, आंसर सी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ बोल दें या फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल दें या रप्चर स्ट्रेंथ बोल दें आप, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ रप्चर कह दें, तो इन सभी का आंसर जो होगा वो सी होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है, हायर वीबी टाइम, ठीक है, जब वीबी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है कॉन्क्रीट पर तो ये वर्केबिलिटी के लिए किया जाता है, अगर टाइम ज्यादा लगता है इसका मतलब जो आपके पास में सैंपल है वो ड्राई है, इसका मतलब वर्केबिलिटी कम है, ठीक है। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट करेक्ट है, आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये करेक्ट ऑप्शन है। हायर स्लंप शोज द हायर वर्केबिलिटी, अगर स्लंप ज्यादा मिल रहा है तो जो फ्लो है कॉन्क्रीट में वो ज्यादा है, इसका मतलब वर्केबिलिटी अच्छी है, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। हायर कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, ये भी वर्केबिलिटी के लिए टेस्ट किया जाता है, दिस शोज द हायर वर्केबिलिटी, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा क्योंकि सारे के सारे करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 देखो। ए हायर मॉड्यूलर रेशियो मतलब स्मॉल m, ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो के लिए एक तो कोड ने फॉर्मूला दिया हुआ है 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा सीबीसी, या फिर आप यूज कर सकते हैं कि यही चीज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट होता है। तो अगर m बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, सिग्मा सीबीसी घटा या आप बोल दें ईसी घटा, ईसी कितना होता है 5000 अंडर रूट FCK के बराबर होता है, तो बेसिकली ईसी कब घटेगा, जब FCK घटेगा, इसका मतलब क्या है, लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, सर क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा बी, ठीक है, तो आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 59 इज बी, बस समझ में आती है। नेक्स्ट आप देखें, क्वेश्चन नंबर 60, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द स्टील एज पर द आईएस कोड, स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 लिया जाता है, तो गामा एम आपको अलग अलग चीजों के लिए पूछेगा, अगर कॉन्क्रीट के लिए पूछे तो आंसर 1.5 है, स्टील के लिए यदि पूछे तो आंसर कितना है, स्टील के लिए आंसर है 1.15, लेकिन ये कब होता है, जब आप कॉलेप्स कंडीशन चेक करते हैं तो कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 है, स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 है, लेकिन आप सर्विसिबिलिटी जब चेक करोगे तो कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी 1 लेना है और स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी 1 लेना है, ठीक है, तो ध्यान रखें। अब ऐसा क्यों हुआ, कंक्रीट जो है उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा लिया है और स्टील के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लिया है, ऐसा क्यों किया,
जब भी किसी चीज में अनसर्टिनिटी होती है या रिस्क ज्यादा होती है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ा दिया जाता है। तो कंक्रीट जब मिक्स किया जाता है, एक तो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, उसके अलावा जो है हो सकता है हैंड मिक्सिंग वगैरह की जाए, सीमेंट जो है वो प्रॉपरली मिक्स ना हो पाए, तो स्ट्रेंथ में वेरिएशन ज्यादा मिल सकता है कॉन्क्रीट के केस में। तो हायर फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया 1.5 का, और स्टील कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में फेब्रिकेट करते हैं तो ज्यादा अनसर्टिनिटी नहीं है, तो इस वजह से आपने लोअर फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज किया 1.15 का। तो कारण भी ध्यान रखें, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। हाई कार्बन कंटेंट इन द स्टील। हाई कार्बन, कार्बन का मतलब है कोयला। कोयला कैसा होता है? ब्रिटल होता है। तो अगर आप हाई कार्बन यूज करेंगे तो ब्रिटलनेस बढ़ती जाएगी। एक तो बात श्योर है कि मटेरियल जो है वो ब्रिटल होता जाएगा अगर कार्बन कंटेंट बढ़ाते जाएंगे, इसका मतलब डक्टिलिटी घटती जाएगी। क्योंकि डक्टिलिटी क्या है? लैक ऑफ ब्रिटलनेस इज डक्टिलिटी, या ब्रिटलनेस पूछे ब्रिटलनेस क्या है, लैक ऑफ डक्टिलिटी इज व्हाट ब्रिटलनेस, ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर ब्रिटलनेस बड़ी है तो डक्टिलिटी घट जाएगी, तो ये डिक्रीज इन डक्टिलिटी तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके अलावा देखें जरा, जब आप HYSD बार यूज करते हैं, HYSD, या फिर जब आप माइल्ड बार यूज करते हैं, तो माइल्ड की जो स्ट्रेंथ है वो तो 250 है यील्ड स्ट्रेंथ, और HYSD की अगर आप 415 की बार यूज करें तो 415 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर यील्ड स्ट्रेंथ है। तो बेसिकली क्या समझ में आ रहा है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार जब यूज करते हैं जिसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा होता है तो डेफिनेटली उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाती है। आंसर इस क्वेश्चन का बी होगा। तो कार्बन कंटेंट बढ़ाने से टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती है और साथ ही साथ में डक्टिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाती है, या फिर बोल सकते हैं ब्रिटलनेस इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द हाई टेंसाइल स्टील। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द हाई टेंसाइल स्टील, देखो माइल्ड स्टील का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो कुछ इस तरीके से बनता है। दिस इज द माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो बेसिकली ये लाइन जो है पैरेलल लाइन किसी भी मटेरियल के लिए, अगर आप स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम बनाते हैं, एक पैरेलल लाइन जो मिलती है उसको अगर आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो जिस पॉइंट पर जाकर के ये मीट करेगा ये क्या कहलाता है, ये यील्ड स्ट्रेस कहलाता है। तो दिस पॉइंट इंडिकेट द यील्ड स्ट्रेस। लेकिन अगर बात करें किसकी, अगर बात करें हाई यील्ड स्ट्रेंथ की बात करें डिफॉर्म बार्स की, तो उसमें क्लियर कट आपको जो है पॉइंट नजर नहीं आता है, तो इसके लिए प्रूफ स्ट्रेस का सहारा लिया जाता है। एक पैरेलल लाइन यहां पर आप ड्रॉ करोगे सेम स्लोप लेते हुए, ई के बराबर स्लोप लेते हुए, एंड दिस स्ट्रेन इज 0.2%। तो 0.2% स्ट्रेन के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस मिलती है इसी को क्या कहते हैं, यील्ड स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है। तो देखें जरा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द हाई टेंसाइल स्टील हैज ए डेफिनेट यील्ड पॉइंट, नहीं होता है। माइल्ड स्टील के लिए तो डेफिनेट यील्ड पॉइंट मिल जाता है, लेकिन HYSD के लिए नहीं मिलता है, ठीक है। डज नॉट शो द डेफिनेट यील्ड पॉइंट बट द यील्ड पॉइंट इज डिफाइंड बाय 0.1%, ये गलत है, 0.2% के कोरस्पॉन्डिंग होता है। डज नॉट शो द डेफिनेट यील्ड पॉइंट बट यील्ड पॉइंट इज डिफाइंड बाय 0.2% प्रूफ स्ट्रेस, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा, 0.2%। यहाँ नेक्स्ट में दिया था 2%, तो 2% गलत है, 0.2% स्ट्रेन के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस मिलेगी उसी को आप क्या कह रहे हैं, यील्ड स्ट्रेस कह रहे हैं, ठीक है। तो जहां पर भी यील्ड स्ट्रेस डिफाइन नहीं होता है वहां प्रूफ स्ट्रेस का सहारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 63 सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। देखते हैं पहला पॉइंट, द इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द हाई टेंसाइल स्टील इज नियरली द सेम एज दैट ऑफ द माइल्ड स्टील, बिल्कुल सही बात है। जब आप इलास्टिक मॉडुलस की बात कर रहे हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, जितनी HYSD की होती है उतनी माइल्ड स्टील की भी होती है, और कितनी वैल्यू होती है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि ग्रेड ऑफ स्टील क्या है, ठीक है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन तो सही है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ हाई टेंसाइल स्टील इज मोर, गलत है, दोनों बराबर होते हैं। द कार्बन परसेंट इन द हाई कार्बन स्टील इज लेस, नहीं ज्यादा होता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। द हाई टेंसाइल स्टील इज चीपर देन द माइल्ड स्टील, नहीं, हाई टेंसाइल स्टील, ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है वो महंगी ज्यादा होती है, इस वजह से ये भी गलत है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 63 आंसर इज ए। क्वेश्चन 64 पर चलते हैं, देखें जरा, द रेशियो ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ में रेशियो क्या है। कभी भी किसी भी एज पर, जैसे एक साल हो गया या दो साल हो गया कंक्रीट बनाए हुए कास्ट किए हुए, तो आपको रेशियो देखना है कि कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ का रेशियो क्या है।
तो एज के साथ ये चीज एक्सपेरिमेंटली दिखाई जाती है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो हायर मैग्नीट्यूड से बढ़ती है, ज्यादा तेजी से बढ़ती है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ कम तेजी से बढ़ती है, तो जो इंक्रीमेंट होगा वो ज्यादा होगा ऊपर और नीचे कम होगा, तो बेसिकली दिस रेशियो विल इंक्रीज विद द एज। ठीक है, तो आंसर ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिकली है, ये प्रैक्टिकली रिजल्ट इसका देखा गया कि जितनी तेजी से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ती है उससे कम तेजी से टेंसाइल स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की बढ़ती है, तो डेफिनेटली दिस रेशियो विल इंक्रीज विद द एज। ठीक है, आंसर ए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड द ग्रेडिंग ऑफ द फाइन एग्रीगेट इज डिवाइडेड इनटू, ठीक है, द ग्रेडिंग ऑफ द फाइन एग्रीगेट इज डिवाइडेड इनटू। फाइन एग्रीगेट यानी कि सैंड, ठीक है, ध्यान दे, फाइन एग्रीगेट का मतलब है सैंड। सैंड को जो डिफाइन किया गया है वो चार ग्रेड्स में डिफाइन किया है, जोन वन, जोन टू, जोन थ्री एंड जोन फोर। ठीक है, तो चार जोन्स में डिफाइन किया है। पहले जोन की जो सैंड है वो कोर्सेस सैंड कहलाती है, दूसरे जोन की जो सैंड है वो मीडियम कोर्स होती है, तीसरा फाइन, एंड चौथा वेरी फाइन सैंड वहां पर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, आंसर इस क्वेश्चन में जोन पूछा गया था, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ जोन। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोर्सेस्ट सैंड किस जोन की है, तो आंसर जोन वन होगा, फाइनेस्ट सैंड कौन से जोन की है, तो आंसर जोन फोर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखें जरा, एंड्यूरेंस लिमिट पूछी है माइल्ड स्टील गेट्स। फैक्ट, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, कितना होता है वैल्यू, 0.5 के बराबर होता है। ये तो आपको फैक्ट याद रखना है कि माइल्ड स्टील के लिए एंड्यूरेंस लिमिट जो होती है वो लगभग 0.5 के बराबर होती है। एंड्यूरेंस लिमिट होता क्या है, ठीक है, इसको समझो जरा। अगर आप स्ट्रेस का अगर ग्राफ बनाए किसके साथ में, नंबर ऑफ साइकिल्स के साथ में, ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स के साथ में, लोड लगा हटाया, लोड लगा हटाया, लोड लगा हटाया, इस तरीके के अगर साइकिल्स यदि रिपीट किए जाए, तो बेसिकली आपका जो यहां पर ग्राफ चलता है वो कुछ इस तरीके का चलता है। तो क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, ग्राफ को देखने से ये नजर आ रहा है कि एक पार्टिकुलर लिमिट पर जाकर के, एक पार्टिकुलर लिमिट ऑफ स्ट्रेस पर जाकर के नंबर ऑफ साइकिल्स जो है वो आपके इनफाइनाइट की तरफ जाते हैं। इसका मतलब अगर आप मटेरियल पर साइक्लिक लोडिंग के दौरान इतनी स्ट्रेस लगाते हो तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स, यानी कि लोडिंग अनलोडिंग के जो साइकिल्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इतनी स्ट्रेस लगाते हैं, अगर आप इतनी स्ट्रेस लगाओगे तो इतनी बार ही लोड साइक्लिक और रिवर्स साइक्लिक ऑर्डर में बस इतनी बार ही वो लोड लग पाएगा। तो अगर आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहते हैं, लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इतनी स्ट्रेस से ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगानी होती है, और इसी स्ट्रेस को क्या कहते हैं, एंड्यूरेंस स्ट्रेस कहते हैं। और ये लिमिट अगर आप मैक्सिमम टेंसाइल के साथ में इसका रेशियो देखोगे, ठीक है, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इसी को क्या कहते हैं, एंड्यूरेंस लिमिट कहते हैं, जो कि स्टील के लिए लगभग 0.5 आता है। ठीक है, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ करेंगे तो रिजल्ट जो मिलेगा वो 0.5 होगा। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 67 डिस्कस करते हैं। देखो जरा, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द कॉल्ड्रॉन, ठीक है, जब स्टील बनाई जाती है, जब वायर्स बनाए जाते हैं, तो दो प्रोसेस यूज की जा सकती है, एक तो कॉल्ड्रॉन स्टील है और दूसरा हॉट ड्रॉन स्टील है। हॉट ड्रॉन स्टील में तो टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर से काफी हद तक जो है बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, और स्टील जो होगी वो मोल्टेड फॉर्म में यूज की जाती है, सांचों में डाल करके जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाई जाती है। तो बात की जा रही है यहां पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, कॉल्ड्रॉन हाई स्टील वायर्स की बात कर रहा है। तो पूछा है कि अगर बार डायमीटर जैसे आप यूज करते हैं 16 की बार या 20 की बार यूज करें, 25 की बार यूज करें या 32 mm की बार यूज करें, तो बेसिकली जैसे जैसे बार डाया बढ़ता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे बार डाया बढ़ता जाएगा वैसे वैसे स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा। कंक्रीट में क्या होता था, स्टैंडर्ड साइज से जब साइज बढ़ाते थे तो स्ट्रेंथ क्या होती थी, स्ट्रेंथ घटती जाती थी। यहां पर भी आप इसी तरीके से याद रखें, दिस विल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द बार। जैसा कंक्रीट में था कि 150 mm साइज से अगर कम लोगे तो क्या हुआ, स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हुआ, 150 से ज्यादा लिया तो स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। कारण बिल्कुल साफ है, क्योंकि वहां पर फॉल्टी प्लेन के होने के चांसेस होते थे कंक्रीट में। यहां पर भी आप वही बात बोलोगे, जितना बड़ा मेंबर होगा, जितना बड़ा साइज होगा, उतने ही फॉल्टी प्लेन के होने के चांसेस होंगे, ठीक है, कोई फॉल्टी प्लेन मिल सकता है और उस वजह से स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो मटेरियल में यही लॉजिक चलता है, आंसर हो जाएगा इसका दिस विल डिक्रीज। ठीक है, द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ विल डिक्रीज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 68 देखें,
क्वेश्चन नंबर 68, फॉर द गिवन एग्रीगेट कंटेंट, गिवन एग्रीगेट कंटेंट इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो. अगर एग्रीगेट कंटेंट गिवन है और वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब क्या है? जैसे वाटर मान लो बढ़ा दिया, तो जो वाटर हाइड्रेशन प्रोसेस में यूज होना था वो तो यूज हो गया. उसके बाद का जो बचा हुआ वाटर है वो वॉइड्स में रहेगा और धीरे धीरे हीट ऑफ हाइड्रेशन लिबरेट जो हो रही है उसके कारण क्या होगा, वो ड्राई होता जाएगा. और जैसे जैसे ड्राई होगा वैसे वैसे जो है जगह छोड़ेगा, जगह छोड़ेगा तो क्या होगा, श्रिंकेज जो है बढ़ेगा. आंसर इस क्वेश्चन का, इट विल इंक्रीज द श्रिंकेज. ठीक है, आंसर हो जाएगा इट विल इंक्रीज द श्रिंकेज, ऑप्शन ए. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69. विद द इंक्रीज इन द रेट ऑफ लोडिंग, विद द इंक्रीज इन द रेट ऑफ लोडिंग ड्यूरिंग द टेंसाइल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट. ठीक है, रेट ऑफ लोडिंग कितनी लगाई जाती है? ठीक है, रेट ऑफ लोडिंग लगाई जाती है 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट. ये तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ लोडिंग है. अगर इससे ज्यादा रेट ऑफ लोडिंग लगाते हैं तो क्या होगा? ठीक है, अगर इससे ज्यादा रेट ऑफ लोडिंग लगाएंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का पूछा गया है. विद द इंक्रीज इन द रेट ऑफ लोडिंग, अगर इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ लोडिंग को तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है. एक्सपेरिमेंटल फैक्टर. इसको आप कैसे समझ सकते हैं? प्रैक्टिकली आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं. जैसे कोई वेट लिफ्ट करता है, तो वेट लिफ्ट करते समय अगर आपने पूरा का पूरा एक साथ लोड लगा दिया, 200 केजी का वेट लिफ्ट हो जाएगा 200 केजी का. ठीक है, लेकिन अगर मान लो यही 200 केजी कैसे लगाया जाए, 10 केजी लगाया, फिर 20 केजी लगाया, फिर 30 केजी लगाया, फिर 40 केजी लगाया, धीरे धीरे करके बढ़ाओगे तो हो सकता है 200 तक तो पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले जो है वो ड्रॉप कर दें. तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. ठीक है, अगर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कब ज्यादा होगी, जब रेट ऑफ लोडिंग को बढ़ा दिया जाएगा तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा मिलेगी. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखा जाता है. कॉन्क्रीट के लिए आंसर ए आएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 70. W1, W2, W3 and W4 आर द वेट ऑफ द सैंड इन ओवन ड्राई. ये तो ओवन ड्राई का है, फिर एयर ड्राई है, सैचुरेटेड है, सरफेस ड्राई है. ठीक है, एंड मॉइस्ट कंडीशन रेस्पेक्टिवली. देन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सैंड इज, सैंड में मॉइस्चर कंटेंट निकालना है. तो सैंड में मॉइस्चर कंटेंट का क्या मतलब है कि कितना मॉइस्चर सैंड की वॉइड्स में है. तो कितना मॉइस्चर सैंड की वॉइड्स में होगा वो हो जाएगा किसका, वेट कंडीशन में जो मॉइस्चर है. वेट कंडीशन में मॉइस्चर कितना दिया हुआ है, W4. वेट कंडीशन में मॉइस्चर तो W4 है. और अगर बात करें यहां पर सैचुरेटेड बट सरफेस ड्राई, यहां पर कितना है, W3 है. तो इनका जो डिफरेंस होगा ये मॉइस्चर इन द वॉइड्स होगा. तो आंसर हो जाएगा W4 - W3. आपको आगे क्वेश्चन एक करवाया था मैंने पार्ट टू में, उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है. उसमें आपसे एब्जॉर्प्शन पूछा था कि एब्जॉर्प्शन कितना परसेंट होगा. तो वहां पर आप क्या करते थे, ओवन ड्राई के वेट को कंपेयर करेंगे किससे, जितना मॉइस्चर वहां पर था, यानी कि W1, W4 को कंपेयर आपने किया था. ठीक है, तो ये यहां पर कॉन्सेप्ट मॉइस्चर कंटेंट का ही रहेगा कि कितना वॉइड्स के अंदर मॉइस्चर अवेलेबल है, वही मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सैंड कहलाएगा. ठीक है, इतने ही करते हैं आज, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रॉम 71. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. थैंक यू सो मच.